हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो होंगे, पूरा वीडियो जो है आपकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो में बहुत सारा मैं थ्योरीज भी लेके आओ, कुछ कुछ आपको कैलकुलेशन भी लेके आओ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंजेक्शन मोल्डिंग के रिगार्डिंग या आपकी डाई कास्टिंग के रिगार्डिंग, दोनों इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देखोगे 50+ क्वेश्चन है जो आप हम कवर करेंगे, और आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको कवर करना है, वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं हर एक चीजें डिस्कस करूंगा जो भी चीजें हैं, और ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और ये सारे क्वेश्चन है जो आप भी इंटरव्यू में पूछते हैं, जो भी चीजें आपको पूछेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अलग से आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो ऐसे ही रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम इंजेक्शन मोल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग में आप देखोगे तो सबसे पहला जो प्लास्टिक्स आते हैं, कहाँ से आते हैं प्लास्टिक्स? आता है आपका पॉलीमर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज पॉलीमर? तो पॉलीमर जो होती है, एक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आती है। पॉली मीन्स होते हैं मेनी, और मार मीन्स होती है पार्ट, तो इट मीन्स मेनी पार्ट्स। अगर हम एक लाइन में बात करें, इन वन लाइन, पॉलीमर आर कॉम्प्लेक्स एंड गेन मोलिकुल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। पॉलीमर आर मटेरियल मेड ऑफ लॉन्ग एंड रिपीटिंग चेन्स ऑफ मोलिकुल्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आपको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आपको पता करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको देखना है। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमर आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल मोलिकुल्स एंड सिंगल इंडिविजुअल स्मॉल मोलिकुल्स फ्रॉम व्हिच द पॉलीमर आर फ्रॉम कॉल मोनोमर। मैंने मोनोमर को इसलिए हाईलाइट किया है यहाँ पे क्योंकि मोनोमर क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोनोमर क्या होता है? जो सिंगल मोलिकुल्स होते हैं पॉलीमर की, इसको हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच मोनोमर मोलिकुल आर लिंक टू फ्रॉम ए बिग पॉलीमर। मतलब जो मोनोमर है उसको तीन बहुत सारे मोनोमर मिलके जब एक बिग मतलब बड़ा सा पॉलीमर बनता है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जैसे पॉलीमर साइंस वगैरह होती है वहाँ पे बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे ये सारा चीजें पूछते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन आते हैं जो इंटरव्यू पॉलीमर साइंस से आपको पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें दो टाइप का बेसिकली पॉलीमराइजेशन होता है, एक होता है चेन रिएक्शन जो होता है एडिशनल टाइप होता है, दूसरा होता है आपका स्टेप रिएक्शन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं हम। तो जो चेन रिएक्शन जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, आपको फिनाइल कंपाउंड होता है जैसे CH2 इक्वल टू CHR। ठीक है, और जो स्टेप रिएक्शन होता है जो हम बोलते हैं उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स है ये आपको ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि इंटरव्यू में वगैरह में ये चीजें पूछते हैं। तो आपको जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है इसका आपको एग्जांपल बोलो, तो आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्साइल और कार्बोक्साइल होता है, दोनों का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे डालना होता है। ये आपको रख लेना, ये दोनों आपको काम आएंगे। जैसे फिनाइल कंपाउंड है किसके लिए है, एडिशन के लिए है, और जो कंडेंसेशन है इसके लिए आपको हाइड्रोक्साइल याद रखना है। आपको दोनों का आपको याद रखना है। आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको जो है वीडियो को पॉज कर लो और एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज पॉलीमर डिग्रेडेशन। पॉलीमर डिग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है आपका जो डेली यूजेस होते हैं ना, इसमें जो आप पॉलीमर यूज करते हो, दो टाइप का पॉलीमर डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब खराब होना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ डिग्रेडेशन मीन द रिडक्शन ऑफ मोलिकुलर वेट, ठीक है, ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर डिग्रेडेशन कैन बी मेनली इन टू स्टेजेस। फर्स्ट ड्यूरिंग द फेब्रिकेशन प्रोसेस, जो आप पॉलीमर को फेब्रिकेट करते हो उस टाइम में हो सकता है। सेकंडली ड्यूरिंग द डेली यूजेस, है ना, डेली यूजेस। जैसे आप किसी चीज को सनलाइट में रख देते हो तो इसमें क्या होता है, इसका जो पॉलीमर होता है वो डिस्टोर्शन होता रहता है। तो जो वो जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर डिग्रेडेशन। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में लेके सोच के आपको बनाना है, इस तरीके से कैसे आपको बनाना है ये चीजें। आप एक देखो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बैठाना है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, देखो अभी हम पॉलीमर में हैं, अभी हम उसके बाद जो हम प्लास्टिक्स में आएंगे। पॉलीमर्स एक बहुत ही ब्रीफ सेक्शन है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दो है, एक है नेचुरल टाइप है, एक है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल में जैसे आप कॉटन यूज करते हो, सिल्क वूल होता है, ये होता है आपका नेचुरल। और जो पॉली एग्जाम्पल आपका होगी जैसे पॉलीथिलीन होगी, है ना, जो आपकी सिंथेटिक में आता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक में जैसे अपना पीवीसी हो गई, एलडीपी भी हो गई। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक है उसमें आपका ग्लास आएंगे, सिलिकॉन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक में आपका जैसे पीई होगी, पीवीसी होगी, एबीएस होगी, ये हम क्या करते हैं थर्मोप्लास्टिक में लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं आपको, ये थोड़ा सा इसको देख लेना।
और जो आपको थर्मोसेट होता है जैसे यूएफ एमएफ है ना, तो ये जो होते हैं आपको थर्मोसेट में आती है, आपका लास्ट में आती है इलास्टोमर फाइबर्स और आपका लिक्विड रेजिन। रेजिन आपको पता है बहुत सारे रेजिन से आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इलास्टोमर जैसे रबर प्रॉपर्टीज होगी इसके लिए यूज होता है ना। तो इससे भी आपकी क्वेश्चन जो है इससे भी पूछते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि दो आप इलास्टोमर का नाम बताओ, दो एग्जाम्पल दो इलास्टोमर का, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, अब हम आते हैं प्लास्टिक में, ठीक है। अब प्लास्टिक में जैसे आएंगे हम, तो सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं प्लास्टिक हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्या मतलब इसका एडवांटेजेस क्या है। तो आप बोल सकते हो कि लाइट वेट है, टफनेस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, जिसमें क्या कोरोजन नहीं होता है ना, जंग नहीं लगता उसमें, कलर पॉसिबिलिटी से हम इसमें कलर डाल सकते हैं अलग अलग अपना टाइप से, है ना। कलर भी हम दो टाइप से डाल सकते हैं, एक क्या होता है कि तीन टाइप से होते हैं बेसिकली, एक होता है पिगमेंट, एक होता है मास्टर पेच और एक होता है डाइंग। तीन टाइप से आप कलर प्लास्टिक में डाल सकते हो। नेक्स्ट होता है थर्मल इंसुलेशन, आपको पता है प्लास्टिक में थर्मल इंसुलेशन का बहुत अच्छा फायदा है इसकी। नेक्स्ट होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जिसमें हम प्राइस एज कम्पेयर टू मेटल से हमको कम कम में मिलता है। और होता है आपका लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ये आपका जो है इसकी एडवांटेज है प्लास्टिक का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू में पूछते ही पूछते, 10 ऐसे बोलेंगे आपको, 10 पॉइंट बताओ प्लास्टिक के डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले आता है सिंग मार्क, ठीक है। सिंग मार्क आपको पता है क्या होता है प्लास्टिक में, सिंग मार्क होता है किस बात के बनता है, किसी मतलब अनप्रॉपर कूलिंग के लिए, है ना। सिंग मार्क हम कैसे, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंग मार्क, कल जैसे आप मोल्ड डिजाइन सिखाता हूँ, मैं मोल्ड डिजाइन में मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पार्ट में सिंग मार्क आ रहा है, आप प्रोडक्ट डिजाइन में करता हूँ कि सिंग मार्क कैसे नहीं लाना जाता है, मोल्ड डिजाइन करता हूँ मैं कि इसमें सिंग मार्क आ रहा है तो मैं इसको कैसे सोल्यूशन करूंगा, मैं सिंग मार्क को कैसे हटाऊंगा, ये होता है आपकी सिखाऊंगा मैं मोल्ड डिजाइन पे। बट यहाँ पे हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता क्या है, क्या होता है, बट एक्चुअल में कहीं पे सिंग मार्क आ रहा है उसको कैसे हटाओगे। बहुत तरीका है, हम इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसका हम इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे सिंग मार्क आ रहे हैं वहाँ पे हम कूलिंग बढ़ा देंगे। तीसरा ऑप्शन होती है थोड़ा सा अगर कहीं पार्ट में इचिंग है तो थोड़ा सा सिंग मार्क कम हो जाती है, ठीक है। या हम जो मेटल है जहाँ पे रिब वगैरह है, जिस जगह में जो बॉस है कहीं पे सिंग मार्क आ रही है, तो इसका हम थिकनेस कम करेंगे या पार्ट की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे मोल्ड डिजाइन में अप्लाई करना है, जब भी मैं मोल्ड डिजाइन सिखाता हूँ तो उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे प्रैक्टिकली वो है। जैसे यहाँ पे फ्लो मार्क है, फ्लो मार्क का प्रॉब्लम बेसिकली किस लिए होती है, फ्लो मार्क का प्रॉब्लम होती है गेट के लिए, गेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। गेट का कैलकुलेशन होता है लगभग 12-13 टाइप का गेट होता है, हर गेट का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, कितना पार्ट आपको फिलिंग करना है, फिलिंग प्रेशर क्या है, उसके साथ गेट की कितना आपका जो इसकी एक रिलेशन बनता है वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन होता है वो मैं मोल्ड डिजाइन में सिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है बारिंग, बारिंग आता है कहाँ पे, जहाँ पे एज होती है ना, कोई भी कंपोनेंट के प्लास्टिक कंपोनेंट के एज होते हैं ना, वहाँ पे बारिंग होता है। इसमें होता है इंजेक्शन प्रेशर अगर हाई प्रेशर से चलाते हो इसकी वजह से यहाँ पे बारिंग आता है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कल समझ में आए, किसी को अगर समझा पाओ तो आप बेहतरीन अच्छे से समझा पाओ सारा चीज़ों को। नेक्स्ट होता है शॉर्ट मोल्डिंग, शॉर्ट मोल्डिंग पता है पूरा फिल नहीं होता है, बान मार्क आता है, ठीक है। बान मार्क होता है क्या, मेटल प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है कहीं पे, तो इसमें बान मार्क वगैरह भी आ सकते हैं। एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स भी वही आते हैं ज़्यादातर, तो पीसी वाली जो होती है, पीसी की जो मेटल होती है जहाँ पे ठीक होती है तो उसमें एयर वॉइड्स ज़्यादा देखते हैं। ब्लिस्टर आती है, दाना सा आती है, उसमें दाना दाना सा दिखता है प्लास्टिक कंपोनेंट के ऊपर। फ्लैश आती है जहाँ पे प्रॉपर मैचिंग कोर के बीच मैचिंग नहीं होता है। वर्पिंग आता है, ठीक है, वर्पिंग कहाँ आता है, कोई अगर पार्ट है जिसमें कोई लंबी सरफेस है, प्लेन सरफेस है जहाँ पे कोई रिप्स या कोई सेकेंडरी एलिमेंट्स नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वर्पिंग होता है। मतलब जो सरफेस है प्लेन नहीं होगा, थोड़ा सा वेब सा होती है, क्यों, ये भी एक डिफेक्ट है। जेटिंग होता है, जेटिंग किस लिए होता है, अगर आप सीधा गेट और रनर दे रहे हो, ठीक है, वहां से आप हाई प्रेशर से फिलिंग करते हैं तो वहां पे ना इसी तरीके से ना एक बन के आते हैं, तो वो होता है जेटिंग बनता है इसको। नेक्स्ट आता है वेल लाइन, वेल लाइन कहाँ बनता है, कहीं पे अगर सर्किल हो, मान लो ये सर्किल हो, यहाँ से फिलिंग कर रहा हो तो इस एरिया में बनेंगे वेल लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेटल को दो पार्ट से डिवाइड होकर यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे एक वेल लाइन बनेंगे। तो ये सारा डिफेक्ट है, इसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो बहुत सारा वेल लाइन्स होती है, शॉर्ट फिलिंग्स होते हैं, उसको हम फेंटिंग से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर फेंटिंग दे के इसको कुछ हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिकली समझाता हूँ जहाँ मैं मोल्ड डिजाइन करता हूँ, जहाँ पे मैं मोल्ड डिजाइन सिखाता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक का आपका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि लो स्ट्रेंथ, क्योंकि हम हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हम उसको नहीं दे सकते हैं ना, स्ट्रेंथ इसकी कम है। लो हीट रेजिस्टेंस, ज्यादा हम अगर कहीं पे हीटिंग एरिया है जहाँ पे हम हीटिंग एरिया दे सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएंगे। तो कुछ कुछ है मटेरियल, जैसे हम ग्लास फाइबर यूज करते हैं, नायलॉन यूज करते हैं, है ना,
जहाँ पे मेटिंग पार्ट होती है, तो वहां पे कुछ हद तक हीट को रेजिस्ट कर, मतलब हीट को झेल लेते हैं वो, बट एक उसका भी एक लिमिट है, उसको आप कैसे देखोगे कितना हीट रेजिस्टेंस है उसको? उसके लिए आपको हर एक प्लास्टिक कंपोनेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर देखना पड़ेगा, किस कौन से प्लास्टिक मेटेरियल का कितना मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है? उस केस में आपको देखना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू रिपेयर, तो उसको रिपेयर अगर कहीं पे क्रैक हो जा रहा है, उसको रिपेयर करना ईजी नहीं है ना, आपको पता ही है। जैसे आप ऑटोमोबाइल की बम्पर वगैरह देखते हो, कहीं पे बम्पर क्रैक आते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे रिपेयर करना इतना ईजी नहीं होता है ना, बहुत कुछ चीज़ें आपको करना पड़ता है। पोर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको जो मैकेनिकल आइटम है जैसे कि स्टील्स में लो, और इसके साथ अगर मैं प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूँ तो इसमें आपको क्या मिले, बहुत सारा फर्क मिलेंगे। हाँ, इतना जो स्टील से हाई प्रॉपर्टीज में है, और जो प्लास्टिक से डेफिनेटली उससे कंपेयर टू लो प्रॉपर्टीज है, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द श्रिंकेज ऑफ पीपी एबीएस पीसी पॉम पीएस PA66, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन सी मेटल क्या है, पीपी को हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। जैसे क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलिन है ना, एक्रिलोबुटाडीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉम क्या होती है, पीएस पॉलीस्टाइरीन होता है, पीए क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है, A66 ये तो वर्जन होती है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। और या जो श्रिंक परसेंटेज है, पीपी हम 1.5 लेते हैं, एबीएस 0.6 लेते हैं, पीसी 0.6% लेते हैं, पॉम 2% लेते हैं, कभी कभी आपको अलग भी लेंगे, बस ये डिपेंड करता है कहाँ से आप मेटेरियल सप्लाई करते हो। अगर मैं एबीएस की बात करूँ, एबीएस का भी बहुत सारा सप्लायर होता है, जैसे स्टाइरोलोसन होता है, लोटे होते हैं, ये क्या होता है, इसकी वो होती है। और आपको जो भी एबीएस यूज करते हो, मान लो मैं एबीएस का बता रहा हूँ, इसका भी ग्रेड होता है, कौन सी 10 ग्रेड होती है ना, तो अलग अलग ग्रेड होती है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कुछ परसेंट तक। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 0.6 है ना, कोई 0.5 लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपके चीजें। बट बेसिकली आपको ये चीजें आपको लेकर रखना है, ठीक है? ये जो है स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल है, ठीक है? अगर कुछ चीजें आपको पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। कुछ चीजें पूछना भी होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इंजेक्शन मोल्डिंग, देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड का टाइप कैसे डिसाइड करते हो? देखो बेसिकली यहाँ पे मैं ऑल ओवर लिख रखा हूँ, लेकिन अगर मैं प्लेट के हिसाब से देखू, 2 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट होता है। रनर सिस्टम के ऊपर देखो, हॉट रनर मोल्ड, कोल्ड रनर मोल्ड आता है ना। तो बट यहाँ पे जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंजेक्शन मोल्ड, ठीक है? अगर आपको इस तरीके से पूछे थे, अगर मैं प्लेट के हिसाब से इंजेक्शन मोल्ड को डिफाइन करूँ, तो कितना टाइप का होगा? आप बोलोगे 2 टाइप का, 2 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट मोल्ड। अगर मैं मैनिफोल्ड के ऊपर डिपेंड करूँ, तो कितना टाइप का होगा? हॉट है ना, मैनिफोल्ड के हिसाब से हॉट रनर मोल्ड, कोल्ड रनर मोल्ड, रनर सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर पूछते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्ड, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, 2 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट मोल्ड, हॉट रनर मोल्ड, इंसुलेटेड रनर मोल्ड, हॉट मैनिफोल्ड मोल्ड, स्टक मोल्ड, ठीक है? इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस। देखो मोल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछते हैं ये चीजें, आपको याद रखना चाहिए कहाँ पे कैसा कौन सा यूज करना है आपको। इसमें से आपका आता है, सबसे पहला आता है इंजेक्शन मोल्डिंग, आपको पता ही है, ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, एक्सप्रेशन मोल्डिंग, ठीक है? इंजेक्शन मोल्डिंग का भी अलग अलग पार्ट है, जैसे आप ब्लो मोल्डिंग होता है, ब्लो मोल्डिंग का भी पार्ट है। ब्लो मोल्डिंग का क्या पार्ट है, जैसे हम इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग आता है, एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग आता है ना, तो इसमें भी अलग अलग टाइप का आते हैं, एक्सट्रूशन ब्लो, इंजेक्शन ब्लो आती है ना, तो अलग अलग टाइप कहाँ पे आपको क्या यूज करना है आपको देखना पड़ेगा। 3 टाइप का होते हैं बेसिकली, कंप्रेशन मोल्ड भी आपको आता है इसमें टाइप, रोटेशनल मोल्डिंग, एक्सट्रूशन मोल्डिंग, है ना? तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ पे कौन सी मोल्ड के हिसाब से कैसे बनते हैं। जैसे अगर इंजेक्शन ब्लो मोल्ड बनाते हैं, इसमें आपको प्रीफॉर्म देखना पड़ेगा, एक्सट्रूशन ब्लो करेंगे तो इसके एक्सट्रूशन एक मैनिफोल्ड होता है, जहाँ पे मेटेरियल एक्सट्रूशन होती है बेसिकली। जो भी आपकी ऑलरेडी मैं वीडियो डाल रखा हूँ, जो भी ब्लो मोल्डिंग है, जिसको भी देखना है कैसे ब्लो मोल्ड बनाते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास बहुत वीडियो है इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर, आप एक बार जाके पूरी चैनल को आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है ना, जैसे आप यहाँ पे देखोगे व्हाट इज मैक्सिमम डेलाइट, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम डेलाइट होता क्या है, मैं पहले आपको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द मशीन प्लेटेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स अदर एंड इट कैन बी ऑब्टेन एडिंग मैक्सिमम मोल थिकनेस टू द मैक्सिमम मोल ओपनिंग स्ट्रोक। मतलब अगर मैं सिंपल सा फंडा में समझाऊँ आपको, किसी को का समझाना है, जो मोल ओपनिंग होने के बाद, जो मोल आपकी ओपनिंग होते हैं ना, ओपनिंग स्ट्रोक होता है, तो मैक्सिमम कितना मोल ओपन हो सकते हैं, मशीन कितना उसके डेलाइट है, मतलब मोल कितना ओपनिंग होने के बाद कितना मोल ले लेगा, तो ये होता है आपका मैक्सिमम डेलाइट। अगर आपको इंग्लिश थ्योरी के लिए लिखना है, तो आप ये थ्योरी लिख सकते हो। क्लैंपिंग फोर्स, क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है,
इट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट क्लैंपिंग सिस्टम कैन बी एग्जर्ट ऑन द मोल और इट विल बी द मैक्सिमम फोर्स बाय व्हिच मशीन टू हब्स मशीन हब्स कैन बी क्लोज टुगेदर इट कैन बी गिवन टोनेज इन किलो न्यूटन है किस कौन सी यूनिट में यूज करते हैं हम टोनेज में होता है बोलते हैं ना 200 टन की मशीन है 150 टन की मशीन है वो टोनेज क्या होता है क्लैंपिंग फोर्स होता क्या है मतलब क्लैंपिंग फोर्स होता है जो भी आपकी मोल हब्स होता है ना उसको क्लोज करने कितना फोर्स चाहिए मशीन को मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए ऑन व्हिच मोल हब्स कैन बी क्लोज टुगेदर इसको बोलते हैं हम क्लैंपिंग फोर्स ठीक है इसका एक आपके फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको मैं कहाँ पे रखा हूँ यहाँ पे क्लैंपिंग फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ठीक है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है देखो ये सब चीजें मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कल आप मोल्ड डिजाइन करोगे आपको इंजेक्शन प्रेशर के बारे में नॉलेज होना ही होना है। इंजेक्शन प्रेशर डिपेंड करता है सिग्मा के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बताया तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ इंजेक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए। देखो इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है बेसिकली समझा जाता हूँ इट इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑन व्हिच द मटेरियल इज इंजेक्टेड थ्रू नोजल नोजल से जो मटेरियल इंजेक्ट हो रहा है कितना प्रेशर में इंजेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन प्रेशर। तो इसकी यूनिट जो होगा केजी पर सीएम स्क्वायर ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आपका इसकी यूनिट होती है। पूछते हैं कौन से यूनिट में लेते हैं ये इंटरव्यू बारे में पूछते हैं व्हाट इज प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी। प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए प्लास्टिसाइजिंग होता क्या है ठीक है अभी मैं बताऊंगा जो प्लास्टिसाइजिंग की बात कर रहा हूँ प्लास्टिसाइजर क्या होता है ना फिलर क्या होता है ये क्या काम करता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको आगे इसके भी अलग से मैं दो आपको कल इंटरव्यू में बोलेंगे प्लास्टिसाइजर का दो एग्जाम्पल दो फिलर के एग्जाम्पल दो फिलर बेसिकली कहाँ यूज करते हैं हम और प्लास्टिसाइजर हम कहाँ यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए इसके बारे में आगे जो आपको पता लग जाएगा। देखो इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी प्रोसेस बाय द मशीन पर आवर मतलब एक घंटे में कितना मटेरियल आप प्रोसेस करते हो उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ए मशीन ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा केजी पर आवर मतलब एक घंटे में कितना केजी मटेरियल आप देखो सिंपल सा बंदा है इसको देख के ना समझ जाते हैं आपको इसको देख के भी आप समझ जाओगे पूरा फॉर्मूला। तो यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट को आपको याद रखना है या रट लेना है ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज इंजेक्शन कैपेसिटी और शॉर्ट कैपेसिटी। शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है इंजेक्शन कैपेसिटी क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल कैन बी इंजेक्टेड बाय द स्क्रू ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन मतलब जो स्क्रू होती है देखो दो टाइप का होती है जो मटेरियल को आगे ले जाता है ना एक होता है प्लंजर एक होता है स्क्रू स्क्रू भी अलग अलग टाइप का होता है ठीक है। इसके ऊपर हम एक अलग से क्वेश्चन है जिसके ऊपर पूछते हैं वो हम ऑलरेडी कवर करा है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो स्क्रू से एक साइकिल मतलब पूरी एक शॉट निकालने में जो भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं साइकिल टाइम ठीक है। तो एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में स्क्रू से द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब कितना वॉल्यूम मटेरियल निकाल सकता है उसको बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी। मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है आपको पता होना सही है जिस मशीन के लिए आप मोल बना रहे हो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज ड्रूलिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ड्रूलिंग क्या होती है लीकेज होती है जब आप मशीन आइडियल कंडीशन में होता है जैसे आपने शॉर्ट निकाल लिया है ना नोजल से ना कुछ कुछ मटेरियल जो है गिरते रहते हैं मतलब फ्लो होते रहते हैं लीकेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल थ्रू द नोजल बिटवीन द शॉट्स ठीक है ये जो है ड्रूलिंग बोलते हैं इसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं ये भी बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपकी व्हाट इज द टाइप ऑफ नोजल्स जो आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज करते हो इसमें जो नोजल्स लगाते हैं हम कितने टाइप का नोजल्स होते हैं एक होता है रिवर्स टेपर मेलफर एक होता है रिमूवेबल टिप नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड और जनरल पर्पस सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसको आप याद कर लेना ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंट जोन जो मैंने आपको स्क्रू के बारे में पूछा था ना तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्रू का तीन जोन्स होता है उसको हम क्या क्या जोन्स में बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में जो स्क्रू का जोन्स होता है स्क्रू मतलब जहां मोल्डिंग की मशीन जो मटेरियल को मिक्स करता है जो मटेरियल को आगे ले जाता है ठीक है। तो उस स्क्रू को हम तीन जोन होता है तीन जोन को क्या क्या बोलते हैं ठीक है। एक होता है फिट जोन जहां पे स्क्रू जो है मटेरियल को फिट करता है एक होता है कंप्रेशन जोन कंप्रेशन जोन में क्या करते हैं जो मटेरियल होती है मोल्डिंग मटेरियल जो हीटिंग होता है हीटिंग के बाद उसको हम कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग जहां पे उसको मेल्टिंग करके आगे प्रोसेस कर देते हैं तो इसको तीन जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछते रहता है इसको आप याद कर लेना। अब हम आते हैं देखो अभी आपके पास आगे फिलर और एडिटिव्स ये आपको पता होना चाहिए इसीलिए क्योंकि कल आप नो डाउट आप डीपीएमटी हो या डीपीटी हो या टूल एंड डाई से भी हो कोई भी हो सकते हो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा कल आपके पास कोई चीजें प्रॉब्लम आ रहा है इसको आप प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हो कल उसके साथ और अच्छा कर सकते हो आप ठीक है। तो देखो एडिंग
ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टिक टू गेट सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक कलर फ्लेक्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं, जहां पे आपको कलर चाहिए, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फिलर आर यूज इन थर्मोसेट प्लास्टिक। देखो फिलर कहाँ पे यूज करना है, थर्मोसेटिंग में। थर्मोसेटिंग मतलब कौन सी मेटल होती है, यूएफ होता है, एमएफ होता है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, पूछते हैं इंटरव्यू में। एंड एडिटिव्स आर टू टाइप्स। अब एडिटिव्स क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल होता है, एक होता है केमिकल। फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल अगर एडिटिव्स की बात करते हैं, इसमें आता है प्लास्टिसाइजर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करा, प्लास्टिसाइजर क्यों यूज करते हैं हम, इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, मतलब जो मेटल की प्लास्टिसिटी होती है ना, तो इसको हम इंक्रीज करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं, एजिलेट्स और बेंजोज, ये होता है उसकी एग्जाम्पल्स, ये याद कर लेना, इतना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कहीं किसी के पास ये सब चीजें बोलोगे ना, आपका अलग से एक फैलू रहेंगे, ये सब चीजें बहुत ही रेयर होती है, कोई नहीं बताने वाला है आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत रेयरली नहीं, बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीजें। और केमिकल्स होता है स्टेबिलाइजर, जैसे क्या करते हैं केमिकल स्टेबिलाइजर यूज करते हैं हम, प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स, मतलब जो एनवायरमेंटल डिफेक्ट, मतलब कोई चीज प्लास्टिक जो है हम धूप में रख देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो कुछ दिन बाद जो है उसका प्रॉपर्टी लॉस होने लग जाता है। जैसे आप टैंक देखते हो ना, तो टैंक क्या होता है, धूप में रख देते हैं, उसमें बरसात भी झेलते हैं, वो धूप भी झेलते हैं, क्या होते हैं, इनिशियली उसकी जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वो लॉस होने लग जाता है। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, स्टेबिलाइजर ही मिलाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगी, सीएमसी, सोडियम एल्गिनेट, तो ये होता है इसके एग्जाम्पल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको जो चीजें है ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाऊ, आपको ज्यादा मैं समझा पाऊ। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंप्रेशन। इंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जहां पे कोर केविटी, देखो द गैप बिटवीन द कोर केविटी कॉल्ड इंप्रेशन। इंप्रेशन प्रोवाइड द शेप ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो इंप्रेशन होती है उसमें प्रोडक्ट की शेप लाता है। जो गैप होते हैं कोर केविटी बीच में, जैसे कोर से हम केविटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, मोल्ड डिजाइन की भाषा में बता रहा हूँ, तो जो बीच में गैप होता है ना उसको बोलते हैं हम इंप्रेशन, मतलब एक तरीके से पार्ट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज फ्रू रनर गेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप नया हो तो। फ्लू इज द कनेक्टिंग मेंबर बिटवीन द नोजल एंड रनर। रनर और नोजल्स के बीच में जो कनेक्टिंग मेंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं स्प्रू। रनर क्या होता है, कनेक्टिंग मेंबर होता है स्प्रू और गेट के बीच में। गेट क्या होता है, कनेक्टिंग मेंबर होते हैं किसके बीच में, इंप्रेशन मतलब पार्ट और रनर के बीच में। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना, मैं पीडीएफ अगर ईमेल आईडी डाल दोगे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट द साइकिल टाइम ऑफ मोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइकिल टाइम क्या होता है, टीसी, टीसी मतलब होता है साइकिल टाइम इज इक्वल टू एम, एम मतलब होता है मास, 3600 क्यू, 60 × 60 है ना, डिवाइडेड बाय पी, पी होता है क्या, प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एम इंटू 3600 डिवाइडेड बाय पी। व्हाट इज द टाइप ऑफ पार्टिंग लाइन। बेसिकली दो टाइप का पार्टिंग लाइन होता है, फ्लैट पार्टिंग लाइन, नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन। नॉन फ्लैट में भी अलग अलग टाइप आता है, जैसे एंगल आता है ना, उसके बाद आता है स्टेप आते हैं, तो अलग अलग होता है। इसके लिए मैं अलग से एक मोल्ड डिजाइन का वीडियो बना रखा हूँ, जिसने भी नहीं देखा वो जाके वीडियो देख ले, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ और कुछ कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको सारा चीजें देखना, एक बार मेरा सारा मोल्ड डिजाइन की वीडियो देख लेना, उसमें मैं सारा चीजें बहुत ही बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बना के भी दिखाया हूँ प्रैक्टिकली। और जिसको भी चीजें सीखना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से क्लास वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, है ना। देखो व्हाट इज फैंट, अब मैं आपको बताऊंगा फैन होता क्या है इसमें। ब्रांड इज प्रोवाइडेड इन द मोल्ड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एयर ट्रैप इनसाइड द मोल्ड फ्रीली इट्स शैलो स्लॉट, मतलब होता क्या है बेसिकली फैन, इसको आपको पढ़ने के लिए होता है। मोल्ड में कुछ एयर ट्रैप होता है, वो एयर ट्रैप को हम मोल्ड से बाहर निकलने के लिए हम फैन बना रहे थे। अब फैन हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें एयर निकल जाए लेकिन मेटल ना निकले, मेटल निकल जाएगा तो फ्लैश आ जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं हम फैन। इसके भी होता है कैलकुलेशन और थ्योरी। अब ये थ्योरी कहाँ सिखाता हूँ, मोल्ड डिजाइन में सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कर दूंगा, आपको समझ नहीं आएंगे। जब हम प्रैक्टिकली उसको बनाते हैं, फैन बनाते हैं, तो वो सीधा होता है, वो लगभग कितना होता है पता है, 20 माइक्रोन के आसपास होता है थिकनेस इसकी, 20 से 50 माइक्रोन के आसपास। और इनिशियली इसको हम बड़ा करते जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपको, मैं समझाऊंगा वो सीधे आगे। आप अगर इसकी देखना है तो मेरा वीडियो देख लो, आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको फैन क्या हो बेसिकली प्रैक्टिकली समझ जाओगे। अभी आपको इंटरव्यू के लिए इस चीजें अगर देखोगे, बोल दोगे इस तरीके से, आपको वो समझ जाएंगे, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ वही चीजें आप बोल दो, वो समझ जाएंगे जो इंटरव्यू वाले। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसको भी कुछ चीजें में दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ गेट।
बहुत सारा गेट होती है, एज गेट, स्प्रू गेट, फैन गेट, सबमरीन गेट, बनाना गेट, टेप गेट, पिन पॉइंट गेट, रिंग गेट, फिल्म गेट। अब देखो मैंने आपको टाइप ऑफ गेट बता दिया, लेकिन हर एक गेट का होता है कैलकुलेशन। अगर आप हर एक गेट की कैलकुलेशन देखना है, मेरा एक गेट की वीडियो है, वहां पर जाके कैलकुलेशन देख लो। अब प्रैक्टिकली बनाना सीखना है तो आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें हर एक चीज कैसे बनाना है, सबमरीन गेट का क्या कैलकुलेशन होती है, कितना ओपनिंग रखना है, कितना डिग्री एंगल में रखना है, इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगे, बनाना गेट है बनाना गेट कैसे बनाओगे, इसके लिए नीचे से इंसर्ट कैसे डालोगे, किस तरीके से बोल्टिंग होता है, हर एक चीज़ में बना कर रखा। पिन पॉइंट गेट कितना लंबा होगा, कितना स्टेप में बनानी है, कितना ओपनिंग रखना है, हर एक चीज़ आपको क्लासेस में मिल जाएगा, जो भी मोल्ड डिजाइन में जॉब कर रहा है, जिस भी मोल्ड डिजाइन में क्लास लेना है। व्हाट इज द गेट यूज इन थ्री प्लेट मोल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्री प्लेट जो होता है ना मोल्ड, उसमें हम कौन से गेट यूज करते हैं, पिन पॉइंट गेट यूज करते हैं, ठीक है। और टू प्लेट मोल्ड जो होती है, व्हाट इज द ऑटो डिकेटिंग गेट यूज इन टू प्लेट मोल्ड, मतलब टू प्लेट मोल्ड में कौन सी गेट होता है जिसमें ऑटो डिकेट होता है, मतलब अपने आप गिर जाता है, कोई इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ता है। दो गेट होता है, सबमरीन गेट और बनाना गेट, इसको हम कोई तरीके से काटने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आप का। सबमरीन गेट कहाँ यूज करता है, बहुत तरीका है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हो, जाके एक बार देख लो पता लग जाएगा। बनाना गेट कहाँ यूज करता है, तो अब देखे होंगे जैसे एचपी वगैरह की जो पीसी आती है, डेस्कटॉप आती है, उसके नीचे कवर होता है, उस कवर में देखना वहां पे जो है बनाना गेट यूज करते हैं, है ना, कैसू गेट भी बोलते हैं उसको हम, बहुत नाम है उसके, तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये इसलिए। लेकिन क्या होता है, बनाना गेट कम यूज करते हैं, क्यों, इसके लिए नीचे से इंसर्ट ठोकना पड़ता है और इंसर्ट के वहां पे बोल्टिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा मेंटेनेंस के हिसाब से थोड़ा सा लंबा हो जाता है काम, तो इसीलिए कम यूज करते हैं, लेकिन सबमरीन गेट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम 27 नंबर में आते हैं, 27 नंबर में आते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स, कितना टाइप का इंजेक्शन टेक्निक हम यूज करते हैं, जैसे हम पिन इंजेक्शन करते हैं, स्लीव इंजेक्शन करते हैं, स्टिपर बार इंजेक्शन करते हैं, ब्लेड इंजेक्शन करते हैं, वाल्व इंजेक्शन करते हैं, एयर इंजेक्शन करते हैं, स्टिपर प्लेट इंजेक्शन करते हैं और स्टिपर रिंग इंजेक्शन करते हैं। अब जो मैं मोल्ड डिजाइन सिखाता हूँ तो ये सारा इंजेक्शन सिस्टम मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं पिन इंजेक्शन मतलब पिन लगा दिया, पिन का भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, बहुत टाइप का पिन होता है, एक होता है आपकी स्टेप पिन आता है, एक आता है डी पिन आता है ना, तो कौन सी पिन का क्या स्टैंडर्ड है, कितना स्टेप लगानी होती है, रेडियस लगाऊं तो कितने का होती है, उसके कैलकुलेशन होता है और उसका भी थ्योरी के हिसाब से कराता हूँ मैं। स्लीव कितने का स्लीव यूज करना है ना, कौन सी कंपनी से स्लीव मंगवाना है, ऐसा तो नहीं हवा में आप बना लोगे स्लीव बन जाएगा, नहीं बनता है ना, तो वो सीरीज आपको मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, एयर रिजेक्शन क्या होता है, फाल रिजेक्शन क्या होता है, ब्लेड क्या होता है, स्टिपर कैसे करेंगे, रिंग कैसे लगाएंगे, इस तरीके से मैं क्लासेस में सिखाता हूँ। खैर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द स्टिपर प्लेट। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो स्टिपर प्लेट होती है, हम इसको एक्सट्रैक्शन मतलब इसको हम कैसे मोशन देते हैं, एक होता है हम टाई बार से करते हैं, एक होता है लेंथ एंड बोल्ट से करते हैं, एक होता है चेन से करते हैं, एक होता है हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये सारे तरीके से हम स्टिपर प्लेट की एक्सट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैं लेंथ बोल्ट से करता हूँ और टाई रॉड से भी करता हूँ मैं, टाई रॉड नहीं है टाई रॉड है, ठीक है, ये आप इसको गलती मत कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको टाई रॉड कर देना, ठीक है, टाई रॉड एक्सट्रैक्शन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, दोनों को आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी, व्हाट इज द मेथड यूज फॉर स्प्लिट एक्सट्रैक्शन, स्प्लिट एक्सट्रैक्शन मतलब होता है जो भी स्प्लिट मोल्ड होता है उसकी हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो स्प्लिट मोल्ड से हम फिंगर कैम से एक्सट्रैक्शन करते हैं, डॉग लेग से एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिंगर कैम का मोल्ड कराता हूँ मोल्ड डिजाइन में, डॉग लेग का भी मोल्ड कराता हूँ मैं, कैम ट्रैक भी कराता हूँ मैं, स्प्रिंग भी कराता हूँ मैं, हाइड्रोलिक भी कराता हूँ मैं, तो ये सारा मेथड जो है मैं मोल्ड डिजाइन में सिखाता हूँ। फिंगर कैम से कराते हैं, डॉग लेग से कराते हैं, डॉग लेग में क्या होता है थोड़ा सा डिले ओपनिंग होती है, कैम ट्रैक भी हम कराते हैं, स्प्रिंग से भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना, और हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट मोल्ड की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, हाउ टू कैलकुलेट द फिंगर कैम लेंथ, फिंगर कैम लेंथ, फिंगर कैम की एंगल, फिंगर कैम की कितना मूवमेंट चलेंगे, है ना, इसका अलग से वीडियो है मोल्ड डिजाइन में, जाके एक बार देख लेना इस वीडियो को, इसमें आपकी फिंगर कैम ड्रॉइंग के साथ समझा के बना रखा हूँ मैं, वो आपकी जो भी आपकी क्वारीज है फिंगर कैम के रिलेटेड सारा चीजें क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो फिंगर कैम के लेंथ क्या होते हैं, एम डिवाइड बाई साइन क्यू, साइन थीटा मान लो क्यू को हम, प्लस टू सी, टू सी होगी आपकी क्लियरेंस, आई साइन टू क्यू, टू थीटा मतलब ही होगी, एम इज द स्प्लिट मूवमेंट, क्यू इज द एंगल ऑफ फिंगर कैम, एल इज द लेंथ वर्किंग लेंथ और सी इज द क्लियरेंस, ये होता है फॉर्मूला फिंगर कैम की लेंथ निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज कंप्रेशन मोल्ड, एक कंप्रेशन मोल्ड में समझा देता हूँ, कंप्रेशन मोल्ड टाइप कितना टाइप होता है। देखो कंप्रेशन मोल्डिंग का बेसिकली चार टाइप यूज करते हैं, एक होता है फ्लैश टाइप जिसमें से फ्लैश आती है थोड़ा सा बहुत, क्योंकि कंप्रेशन मोल्ड में फ्लैश आना इस नॉर्मल नॉर्मल है,
है ना, एक होता है फुली पॉजिटिव, एक होता है सेमी पॉजिटिव, एक होता है लैंडेड पॉजिटिव मोल्ड। ये चार टाइप का कंप्रेशन मोल्ड होता है। देखिए कंप्रेशन मोल्ड भी मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं डाई कास्टिंग के ऊपर। अब डाई कास्टिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो व्हाट इज ट्रांसफर मोल्ड। देखो अभी कंप्रेशन मोल्ड करा दिया, अभी ट्रांसफर मोल्ड के बारे में समझा देता हूँ। बेसिकली ट्रांसफर मोल्ड और कंप्रेशन मोल्ड सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं उसमें। दो टाइप का ट्रांसफर मोल्ड होता है, एक पॉट टाइप एक प्लंजर टाइप, ठीक है, दो टाइप का ट्रांसफर मोल्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग क्या होता है बेसिकली, देखो प्रेशर डाई कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच द मोल्टेन मटेरियल फोर्स अंडर द हाई प्रेशर इनटू द केविटी इन ए मेटल डिश विथ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकेंडों के लिए अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। मतलब प्रोसेस क्या होती है, मोल्टेन मटेरियल को हम एक हाई प्रेशर में एक केविटी के अंदर एक डिश से, है ना, कुछ सेकंडों के लिए हम फोर्स करके इंजेक्ट करते हैं और उसको हम सोलिडिफाई होने देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस। इसका भी मैं डाई सिखाता हूँ। व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई कास्टिंग। बेसिकली डाई कास्टिंग का कितना टाइप होता है, डाई कास्टिंग का आपका दो टाइप होता है, एक होता है कोल्ड चैम्बर प्रोसेस, एक होता है हॉट चैम्बर प्रोसेस। दो टाइप का डाई कास्टिंग की प्रोसेस होता है। देखो अब हम बात करते हैं जो कोल्ड डिफेक्ट्स होते हैं डाई कास्टिंग के, कोल्ड चैम्बर में जो डिफेक्ट्स होता है क्या क्या होता है। लैक ऑफ फिल, फिल नहीं होता है, कोल्ड स्टार्ट होती है, चिल होती है ना दादा, और इसमें फ्लो लाइन आती है, ये सारा जो है दिक्कत आती है किसमें, कोल्ड चैम्बर में। अब हम बात करते हैं हॉट डिफेक्ट्स में क्या क्या आती है। हॉट डिफेक्ट में क्या होता है, सोल्डरिंग होता है, क्रैक होता है, ब्रोकन होता है पार्ट, बैंड पार्ट हो जाता है, और हीट मार्क आती है, ठीक है। तो ये जो होती है किसमें, हॉट डिफेक्ट्स होता है डाई कास्ट में। अब हम बात करते हैं डाई कास्ट में जो हॉट और कोल्ड होते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हॉट चैम्बर में अगर बात करेंगे हम, हॉट चैम्बर में हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो उसमें दो प्रोसेस में क्या होता है, हॉट चैम्बर प्रोसेस और यहाँ पे कोल्ड चैम्बर प्रोसेस। हॉट चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लंजर एंड सिलेंडर आर सबमर्ज इन मोल्टन मेटल इन द होल्डिंग फर्नेस, और इसमें क्या होता है, मोल्टन मेटल इज लैंडेड इन टू कोल्ड चैम्बर, जो वहां पे कोल्ड चैम्बर में होता है, सीधी सी बात है। अफ्टर शॉर्ट प्लंजर इज फोर्स द मोल्टन मेटल थ्रू द नोजल, और इसमें क्या होता है, अफ्टर लैंडिंग प्लंजर टू फोर्स द मेटल इन टू द डाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाई में जाता है, इसमें क्या करते हैं हम मोल्टन मेटल को थ्रू द नोजल से हम निकालते हैं, ठीक है। और फॉर कास्टिंग मेटल, कास्टिंग मेटल में मेल्ट इज लोअर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में रहता है, और यहाँ पे कास्टिंग मेटल के लिए मेल क्या होता है, हायर टेम्परेचर में रहता है। तो इसमें जैसे लोअर टेम्परेचर में, जैसे कोल्ड चैम्बर में क्या होती है, जैसे हीजिंग होती है, लीड होती है, और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नेशियम, ब्रास यूज करते हैं हम। तो ये था आपका डाई के लिए, जो भी डाई कास्टिंग से क्वेश्चन है, तो इतना आप एक बार देख लेना, इसमें से कुछ चीजें आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है आपको करके देना है, और जो भी 10 में से 10 क्वेश्चन देंगे उसके लिए मेरी तरफ से एक जो है कुछ सरप्राइज होंगे, ठीक है। तो ये आपको कोशिश करना है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें 10 के 10, और जो सीरियली लिखना है कि एक का ये आंसर है, टू का ये आंसर है, ऐसा नहीं आप भी ऐसे एक ये बता दोगे, तो सीरियली जो है सारा सेशन जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको सीरियली देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पीपी पीसी एबीएस पी, इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं ये भी क्वेश्चन, ठीक है। पीपी का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, एलडीपी का क्या है, एचडीपी का क्या है, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना है, लास्ट में मैं कमेंट सेक्शन में एक मैसेज करके सारा चीजें का मैं डिटेल दे दूंगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग मतलब जो ये सेशन है इसमें ज्वाइन करते हैं और कितना लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पीपी एबीएस पीसी पॉम्प PA66, ठीक है। इसमें जो भी पीपी का डेंसिटी क्या है, एबीएस का डेंसिटी क्या है, इसमें से आपको पता लग जाएगा शॉर्ट वेट निकालने में, कितना शॉर्ट वेट होगा कोई भी मटेरियल का, उसमें पता लग जाता है कि पार्ट की वेट कैसे निकालोगे, डेंसिटी जो भी डेंसिटी यूज होते हैं तो उसके थ्रू आप वेट निकाल सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक मोल्ड डिजाइन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ ए स्टील इन NX और एनी अदर कैच सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई कैच सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो इसको हम पार्ट की वेट या स्टील की वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला क्या है इसको, इसकी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, इसको कैसे आपको निकालना है, किस तरीके से आपको कैच सॉफ्टवेयर में हो या आप मैन्युअली वो जो फॉर्मूला होती है उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्लैंपिंग फोर्स, तो अभी ये क्वेश्चन है जो मैं उस टाइम बताया था आपको, तो जो क्लैंपिंग फोर्स है इसकी फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द टाइप ऑफ रनर यूज इन इंडक्शन मोल्ड, जैसे हम रनर यूज करते हैं इंडक्शन मोल्डिंग में, है ना, अभी देखते हो आप, अभी नहीं बताना चाह रहा हूं मैं क्या क्या टाइप का रनर है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट रनर मोड एंड कोल्ड रनर मोड? हॉट रनर मोड और कोल्ड रनर में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख के देना है। व्हाट इज डिले ओपनिंग? डिले ओपनिंग क्या होती है और हम किसके लिए डिले ओपनिंग लगाते हैं इंजेक्शन मोल्ड मशीनिंग में? डिले ओपनिंग बहुत जरूरी होता है जहाँ पे मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। डिले ओपनिंग का मोल, अब जैसे आप थोड़ा सा अच्छा डिजाइनर बन जाओगे या थोड़ा सा आप टिपिकल मोल बनाने लग जाओगे, वहां पे आपको डिले ओपनिंग वगैरह से काम करना पड़ेगा। तो इस केस में पता होना चाहिए डिले ओपनिंग क्या होती है, और डिले ओपनिंग जिसको इसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कि हाँ ये होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कूलिंग इंजेक्शन मोल्डिंग? तो इंजेक्शन मोल्ड में हम कितना टाइप का कूलिंग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोर में करते हैं या कैविटी में करते हैं, बोल्स्टर में करते हैं, इंसर्ट में करते हैं, तो कितना टाइप का कूलिंग होते हैं, कहाँ का किस प्रोसेस से हम कूलिंग करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रिंकेज एंड वारपेज? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, श्रिंकेज कहाँ होता है, वारपेज कहाँ होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। ये थोड़ा मैं पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था डिफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया था, आपको बताना है दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज स्नैप पिच? फिट क्या होता है और कितना टाइप का स्नैप पिच होता है, इसका जो है आंसर आपको जैसे 1 से लेकर 10 है तो सारा का क्वेश्चन जो है आंसर सीट मुझे करके नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैंने आप कोशिश किया जो मैंने बहुत देखो इस चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप कोशिश करना जो भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे इस वीडियो को देख के जाओ, जो भी लोग देखेंगे 101% इसको जो है 70-80% चीज़ें कवर हो जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस तरीके से मैंने कोशिश करा है कि आपको जितना भी क्वेश्चन हो आपके टास्क हो जो भी चीज़ें पूछेंगे यहाँ से आपको 70-80% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से वीडियो के लिए जुड़ते रहो, जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है एडवांस मोल्ड डिजाइन के लिए वो कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं जो भी डाउट वगैरह है, और जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो क्लास ले सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।